तो दोस्तों ये है एक एयर कंप्रेसर यानी कि टायर इन्फ्लेटर, जिसे आप यूज कर पाएंगे इमरजेंसी के टाइम में, जैसे कि कार के टायर में हवा भरने के लिए, साइकिल के टायर में हवा भरने के लिए, बॉल में हवा भरने के लिए, या वाटर की ट्यूब में हवा भरने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धर्मेश और गैजेट थेरेपी करने वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये गैजेट काफी यूजफुल हो सकता है इमरजेंसी में, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है बॉक्स इस एयर कंप्रेसर यानी कि टायर इन्फ्लेटर का। तो मॉडल नंबर है 300 PSI 12 वोल्ट का एयर कंप्रेसर हम लोग को देखने को मिलता है, और कोइडो कंपनी की तरफ से ये कंप्रेसर हम लोग को मिलता है। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर हम लोग को टायर इन्फ्लेटर देखने को मिलता है और यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप चेक कर पाएंगे कि कैसे इसको यूज करना है। तो कुछ इस तरह का डिजाइन हम लोग को देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है, और इसे पकड़ने के लिए ऊपर हम लोग को हैंडल भी देखने को मिलता है। तो ऊपर हमें यहाँ पे प्रेशर मीटर देखने को मिलता है, आगे फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, लेफ्ट में कंप्रेसर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, लाइट स्विच ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, 3 नोजल एडेप्टर देखने को मिलते हैं जो पीछे के छोटे से कंपार्टमेंट में रहते हैं, वहां पे रख सकते हैं, और साथ ही में हम लोगों को एयर फिल करने के लिए ट्यूब देखने को मिलती है और पावर केबल देखने को मिलता है जो कि कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पे ट्यूब की क्वालिटी देखेंगे तो काफी अच्छी देखने को मिलती है, ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर कनेक्ट करने के लिए कार के सिगरेट या फिर लाइटर का जो प्लग होता है वहां पे कनेक्ट करना होता है, और नीचे की साइड में रबर ग्रिप देखने को मिलती है। तो चलिए अभी इसे यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसे सिगरेट या फिर लाइटर का जो पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट करना है, उसके बाद कार को चालू करनी है और कार को चालू ही रखनी है, उसके बाद ये ट्यूब का जो नॉब है उसको टायर के वाल पे फिक्स करना है, और यहाँ पे इन्फ्लेटर को ऑन कर देना है, और उसके बाद एयर फिल होना शुरू हो जाता है। जनरली 3 से 5 मिनट में ये एयर फिल कर देता है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी एयर आपके टायर में है, या फिर अगर पूरा फिल करना है तो उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। और इसकी मोटर ज्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से ये अपनी जगह से हिलता रहता है। तो कुछ इस तरह से आप एयर फिल कर सकते हैं और यहाँ पे देख पाएंगे, और ये साउंड भी ज्यादा करता है। तो इसे यूज़ करके इमरजेंसी में अपनी कार की एयर को फिल कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इमरजेंसी में इस तरह के गैजेट साथ में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसे यूज़ करके आप कहीं पे सेफ जगह पे या फिर गैरेज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ जगह से निकल जाना ज़्यादा सेफ होता है पंचर करने से। अगर डिक्की में बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है और आपको टायर वहाँ से निकलना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सामान निकलने में, वापस टायर चेंज करने में, और वापस से सामान को रखने में। तो एक बार इस तरह की प्रोडक्ट आपको ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए, और इमरजेंसी में अगर ये प्रोडक्ट काम आ जाती है तो इस प्रोडक्ट का काम हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 1800, तो आपको इस प्राइस में ये कहीं से भी मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहां तक ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज अपना ध्यान रखिए।